तो बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और इसको मैं करता हूँ। तो देखिए बच्चों कैसे करा जाए इसको। तो ये हो जाएगा बच्चों देखो 3y = 5 - x, और इस 3 को मैं नीचे ले जाऊंगा तो y हो जाएगा बच्चों 5 - x होल अपॉन 3। तो देखो ये हो जाएगा y y = 5 - x अपॉन 3। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बॉक्सेस बना देता हूँ एक्स एंड वाई का। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स पे अगर मैं 2 रखता हूँ तो देखो 5 - 2 हो जाएगा 3, और 3 अपॉन 3 होता है 1। तो अगर मैं एक्स पे 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अगर मैं एक्स पे रखता हूँ -1 तो देखो ये हो जाएगा, एक्स पे अगर मैं -1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 5 - -1, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -1 + तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 2। तो अगर मैं यहाँ -1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 2, और अगर मैं एक्स पे यहाँ पे रख देता हूँ 5 6 7 8 9, तो अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ -4, तो ये हो जाएगा देखो 5 माइनस और फिर -4, तो ये दोनों माइनस में जाएगा प्लस, तो ये 9/3, और ये 9/3 होगा बच्चों 3, 3 3 9 होता है। तो देखो देखो कितना इजी है। तो मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए एक्स वाई के, अब मैं इसके यहाँ पर निकालता हूँ इसको। तो ध्यान से देखिए मैं इसको कैसे करने वाला हूँ। तो x = हो जाएगा y + 3 / 2। तो x हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि देखो मैं y पे क्या रखूँ, देखो y पे अब मैं क्या रखूँ, एक्स वाई, अब y पे मैं ऐसा क्या रखूँ कि भाई x की वैल्यू आ जाए। तो देखो मैं ऐसा काम करता हूँ कि इसको ना जो ऐसे मैं ऐसा कुछ करूँ, देखो y पे मैं 1 रखता हूँ, तो y पे अगर मैं 1 रख दिया तो ये 4 आ गया, और 4 / 2 तो कितना होता है 4 2 होता है ना। अब यहाँ पे फिर मैं ऐसे वैल्यू रखता हूँ जिससे 2 से वो डिवाइड हो रहा हो, तो ऐसे मैं काम करता हूँ। तो मैंने वाई रखा 1, अब मैं एक बार वाई रखूंगा -1, तो मैं वाई अगर मैं -1 रखूंगा तो हो जाएगा -1 + 3, तो हो जाएगा 2, और 2 / 2 हो जाएगा 1। फिर मैं यहाँ वाई पे ऐसी वैल्यू रखता हूँ, तो ये मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ मैं इसको अगर यहाँ पर 3 रखूँ, वाई को अगर मैं 3 रख दूँ तो 3 + 3 होता है 6, और 6 / 2 हो जाएगा 3। तो देखो ये भी मेरे पे 2 कोऑर्डिनेट्स आराम से आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मुझे अब ग्राफ पेपर में इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ ग्राफ पेपर पे। तो बच्चों देखो मैंने एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया, मैं यहाँ पे इसको पुट करने वाला हूँ। सिंपल है, एक्स है मेरे पे बच्चों 2 और वाई है मेरे पे 1। तो देखो 2 और 1, तो ये हो गया 2 x-axis पे, वाई एक्सिस पे 1, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा बच्चों 2, 1। तो पहला पॉइंट मैंने लिया ला गया हूँ। दूसरा है बच्चों, वाई है मेरा -1, एक्स है मेरा 2, तो वाई है मेरा -1 और एक्स है मेरा 2। तो बच्चों ये यहाँ पे आएगा, तो देखिए ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये जगह -1, 2, ये भी मेरा हो चुका है। और थर्ड जो पॉइंट है एक्स वाई कोऑर्डिनेट के, ये है -4 y-axis पे, और x-axis में है -4, y-axis पे है 3, तो -4 देखो यहाँ पर x-axis में यहाँ पे, और 3 है यहाँ पे। तो देखो मैं इसको आगे ले जाता हूँ, यहाँ पे तो देखो ये वाला पॉइंट जो है यह -4, 3। और अब ध्यान से देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। बस आपको ऐसे ही करना है, इसको सिंपल से आप कोई भी निकालो और उसको फिर इसके बाद स्ट्रेट लाइन बना दो। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन बन चुकी है, और इस स्ट्रेट लाइन में अगर मैं यहाँ पे, ये यह स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3y = 5 - x, लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसी की तो है, इसी की स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो आप इसके ऊपर ये लिख लो। अब सेकंड जो कोऑर्डिनेट्स है मैं उसको यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। देखो ये है 2, 1, तो देखो एक्स एक्सिस में है 2, वाई एक्सिस में है 1, तो देखो ये तो पहले से ही प्लॉट है। ठीक है, अब देखो दूसरा है वाई एक्स एक्सिस में है 1, वाई एक्सिस में है -1, एक्स एक्सिस में है 1, वाई एक्सिस में है -1, तो मतलब ये वाला पॉइंट है। ध्यान से देखो 1, -1 मैंने यहाँ पर इसको प्लॉट कर लिया है। तीसरा है बच्चों 3, 3, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो देखो ये वाला पॉइंट जो है ये है 3, 3 है ना। तो देखो ये 3 फिर यहाँ से आ गए हैं, देखो सिमिलर आ चुके हैं। अब ये देखो मैं इस पे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ, बन रही है, बिल्कुल बन रही है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। और देखो ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींची, और बच्चों देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन चुकी है, और ये भी हमारा क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर था बच्चों हमारा 6, और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं प्रोसीड, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।